मामला क्रिएटिव है, ऐसा कहकर पुलिस ने एक व्यक्ति को संदिग्ध करार दिया है। हालांकि गोली चलने और एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना पर पुलिस काफी समय तक परेशान रही, लेकिन जब घायल युवक के इतिहास को खंगाला गया तो पता चला कि ये व्यक्ति पहले भी ये ऐसे प्रयास कर चुके हैं। दरअसल ये पूरा मामला है जनपद झांसी के प्रेमनगर थाना अंतर्गत पुलिया नंबर 9 क्षेत्र का है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जूनियर एडवोकेट देवेंद्र यादव पुत्र रघुवीर यादव अपने दोस्त के घर हंसारी गया हुआ था। यहां से लौटकर वो वापस अपने घर जा रहा था, तभी कुछ लोगों ने उस पर फायरिंग कर दी जिसमें उसके एक हाथ में गोली लग गई। घटना की जानकारी होते ही प्रेमनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और देवेंद्र को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। देवेंद्र का कहना है कि हमलावरों से उसे करीब 10 से 12 लाख रुपए लेने थे। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी अन्य रंजिश भी आरोपियों से चल रही है। इसी रंजिश के चलते हमलावरों ने उस पर फायरिंग कर दी। राजा के खेत जा रहे थे तो वहीं निकल रहे थे बाइक से, राजा भी वहीं खड़े हुआ था, मतलब आ रहा था खेत आए थे वो आ रहा था। हम निकले तो वहीं खड़े थे सोनू यादव, आकर कुशवाहा, रोहित कुशवाहा और अजुद्दी कुशवाहा शायद, और दो लोग और। हमने फायर मारा, पहला निकला, दूसरा फायर हाथ में निकल गया, वहीं गड़ गए। कुछ नहीं, हमें पैसे चाहिए इन लोगों से, और पुरानी पुरानी छोटी मोटी लड़ाई रंजिश में बदल गई। वहीं पुलिस अधीक्षक नगर ज्ञानेंद्र कुमार का कहना है कि देवेंद्र के द्वारा पुलिस को गोली लगने की सूचना के बाद उसे मेडिकल में भर्ती कराया गया है। छानबीन में पता चला है कि घायल के द्वारा पहले भी इस प्रकार की सूचना दी जा चुकी है। छानबीन के दौरान प्रथम दृष्टता ये घटना सोची समझी साजिश लग रही है। फिलहाल छानबीन जारी है, लिखित तहरीर मिलने के बाद ही मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। थाना क्षेत्र प्रेमनगर के हसारी कस्बे में देवेंद्र यादव को गोली मारने की सूचना इनके द्वारा दी गई थी, जिसपे इनको जिला चिकित्सालय में भर्ती इन्हीं के परिजनों के द्वारा कराया गया था। वहां से रेफर होकर के ये मेडिकल कॉलेज में इनका इलाज इस समय चल रहा है, जो हम लोगों ने अभी सारे साक्ष्य संकलन किए हैं। इनके द्वारा पहले भी ऐसी दो बार सूचना दी जा चुकी है, और जो सारे साक्ष्य संकलन अभी तक हम लोगों ने किया है उससे प्रथम दृष्टया ये घटना क्रिएटेड लग रही है। इसके अलावा हम लोग अभी सारे टेक्निकल एविडेंस और जो इनको जिन पे आरोप लगाए जा रहे हैं उनपे, और इनके जो मौखिक साक्ष्य हैं वो सब कलेक्ट करा रहे हैं। अभी इनके द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई है, तहरीर के आधार पर FIR पंजीकृत करते हुए जो सारे साक्ष्य होंगे उसके आधार पर हम लोग अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट।